आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम प्रेमा है। मैं सिंह, प्रेमा सिंह। किधर से है? हम पहले बॉम्बे में रहते थे, अभी 4 इयर्स हो गया गोवा में आके। मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम 6 to 7 इयर्स से था। स्टार्टिंग में 2-3 महीने में कभी एक बार स्टार्ट हुआ था, तभी मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कि क्या पेन है, और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा 2 महीने में, फिर 1 महीने में, फिर 15 डेज में, फिर 20 डेज में, फिर एवरी वीक। फिर अभी मैं डॉक्टर के पास आने के पहले वीक में 3-4 टाइम आने लगा था, प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया था। तो बॉम्बे में मैंने डॉक्टर का एक बार वहाँ पर उन्होंने अपना लिया था, सेमिनार लिया था, तो वहाँ पर मैंने इनका वीडियो देखा था, तभी मुझे मालूम पड़ा था गोवा में। और हम जब यहाँ शिफ्ट हुए तो और ये प्रॉब्लम जब बढ़ने लगा तो मैंने और फाइंड आउट किया, थोड़ा मालूम पड़ा और लोगों से भी पूछा तो सब पता चला, तो फिर मैं यहाँ पर आई। और मैंने जनवरी में, अब ये जनवरी 2009 में ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, 8 मंथ्स का। इधर आने से पहले बाकी दवा क्या क्या किया था? नहीं, मैंने कुछ खास दवा नहीं किया था, क्योंकि मुझे मालूम था और डॉक्टर लोगों से, सबसे मेरे फैमिली में भी 2-3 डॉक्टर हैं, कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब प्रॉपर परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, तो मैं मोस्टली पेन किलर ही लेती थी। तो प्रॉपर मैंने किसी डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था, क्योंकि उल्टे आपको ये भी होती है? हाँ, वो बहुत कम होता था, लेकिन अभी इन दिनों में वो भी होने लगा था, लेकिन उल्टी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो हेड में इतना प्रॉब्लम होते थे कि कितना सीवियर हेडेक था, क्या कर रहे थे? मतलब किसको देखने का मन नहीं होने का, रूम में चुपचाप पढ़ने का, लाइट नहीं और कोई भी स्मेल नहीं, खाने का कुछ भी नहीं, मतलब वैसा। और फिर पेन किलर लेके मैं चुपचाप सो जाती थी, तो वैसा होता था, तकलीफ की जिंदगी जीना पड़ता था। हाँ, फिर उसमें क्या है कि कभी कभी तो क्योर हो जाता था पेन किलर से, और कभी कभी जैसे मैं बाहर हूँ और इमीजिएट मैंने पेन किलर ले लिया तो उससे फायदा नहीं होता था। पेन किलर लेके रेस्ट लेना ही चाहिए, जैसे घर में है तो क्योर हो जाता था, लेकिन अगर मैं बाहर हूँ और पेन किलर लिया तो उससे फायदा नहीं होता था। तो कभी कभी आपको गोली लेके वो पूरा चुपचाप सोना पड़ता था, पूरा लाइट बंद करके। हाँ, डॉक्टर ने भी मुझे ऐसा बोला था, तो ये रिलीफ मिलने वाला। हाँ, डॉक्टर ने भी मुझे ऐसा बोला था कि वो आप स्टार्टिंग में मैं क्या अवॉइड करती थी पेन किलर वगैरह, कि ज्यादा पेन किलर नहीं लेने का, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि नहीं, माइग्रेन इस प्रॉब्लम में आपको पेन किलर लेना ही पड़ेगा, आप अवॉइड नहीं करो, जैसे स्टार्ट होता वैसे ही पेन किलर लेना चाहिए, और अवॉइड करेंगे तो वो सीवियर होता है, फिर सीवियर होएगा तो फिर 1 पेन किलर, 2 पेन किलर, कभी कभी नेक्स्ट डे भी उसका इफेक्ट आता है। और ऐसा मैंने फिर ऑब्जर्व किया, तो फिर यहाँ आने के बाद में मेरा धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम होना स्टार्ट हो गया, और धीरे धीरे काफ़ी बहुत ही कम हुआ, और अभी तो बहुत ही अच्छा है। अभी लास्ट 2 मंथ से मुझे कुछ भी नहीं आया, मतलब जरा भी नहीं आया है। आप खुश है अभी? आपको लोगों को क्या बोलना है, क्योंकि देखो ये दवा से पूरा जिंदगी भर ये माइग्रेन लेके लोग बैठते हैं, पूरा रोग के जिंदगी काटते हैं। तो ये ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है, और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सभी लोग कहते हैं पेन इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो अननेसेसरी कहीं भी जाके पैसा वेस्ट करके और या पेन किलर खा खा के रहना, तो पेन किलर का साइड इफेक्ट भी होना है लिवर किडनी के ऊपर, वो सब होगा। मेरे फैमिली में डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने भी बताया था कि ये तो इसका सोल्यूशन है, और इसका इफेक्ट सबको मालूम है, साइड इफेक्ट आजकल ये सब का तो होता ही है। तो मेरे हिसाब से ये ट्रीटमेंट में आना चाहिए और एक बार लेना चाहिए, और मुझे तो बहुत फायदा हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कभी भी कुछ भी थोड़ा भी और भी प्रॉब्लम होगा तो मैं इधर आऊंगी पहले। कभी तो जैसा कि पेन नहीं है तो भूल ही जाएगी जैसा? नहीं 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 कभी नहीं, पहले का पूरा ऐसा भूलेगी? नहीं नहीं कभी नहीं, पूरा याद है आपको पहले कैसी थी? पूरा पूरा याद है, वो जो तकलीफ सब पूरी याद है। हाँ, पूरा याद है। ओके, पहले जब आई थी तब इतना आप टेंस थी, पूरा रोती थी कि क्या करो, डॉक्टर हो जाएगा क्या? हाँ, रियली हाँ, याद है आपको? हाँ जी, सही बात है। मैं दिसंबर में, मुझे मतलब वीक में 3-4 टाइम आ रहा था अटैक, दिसंबर 2008 में। फिर मैं यहाँ पर आई थी, मैंने फोन से सब मालूम कर करके, कदम्बा बस स्टैंड इधर उधर, फिर मालूम पड़ा कि इधर ही रास्ते में ही है, तो बाद में मैं आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। Okay. और पेन इससे रिलीफ होने के लिए मेरे हिसाब से, और इसमें क्या कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ हमें गोली नहीं खाना है और कुछ अलग से कुछ नहीं करना है, सबसे प्लस पॉइंट इसका ये है कि हमें कुछ खाना नहीं है, कुछ दवा मतलब कुछ ऐसा ड्रग लेना नहीं है, तो जो कुछ भी है मतलब ये इसके नीडल थेरेपी, साइड बेनिफिट रोड में था, एक्टिविटी और सब बाकी सब नॉर्मल हो जाती है। हाँ, वो सब तो हो जाता है उसमें, फायदा हो जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, आपका मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगी और मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे भी मैं और पेशेंट के लोगों के लिए भी बोलूंगी कि हाँ, लेकिन एक है कि वो जो जो प्रिकॉशन बोलेंगे वो लेना चाहिए, जो भी, और अगर वो आपको कुछ जैसे नॉन वेज वेज वो जो भी बोलते हैं वो डॉक्टर बोलते हैं उसको पूरा फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज वन साइड हम लोग उसका क्योंकि हम जो भी, हम जब घर बांधते हैं तो जो तोड़ने वाला है उसको भी बंद करना चाहिए, उसको बंद तभी घर कंप्लीट पक्का हो जाएगा, करेक्ट, नहीं तो बीच में सब ये भी डैमेज करते रहेंगे तो वो भी गलत है जी। हाँ, ये तो हर ट्रीटमेंट में रहता है जी, नहीं होता ही है, लोग क्या करते हैं ट्रीटमेंट तो लेते हैं लेकिन वो जो उनको जो पथ्य बताए जाते हैं रिस्ट्रिक्शन दिए जाते हैं वो नहीं करते, फिर बोलते हैं हमें फायदा नहीं हो रहा है। और मेरी किस्मत अच्छी है या मेरा गुड लक है कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, इवन एक भी हम नहीं खाते हैं, तो इसलिए डॉक्टर का जो भी बोले उसको मैंने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया, इवन ऑयली फूड ये वो सब अभी भी कर रही हूँ और आगे भी करूंगी। अभी ट्रीटमेंट बंद होने के बाद क्या हमारे ट्रीटमेंट की वजह से नहीं, हम जो बोलते हैं वो आपके हेल्थ के कारण, करेक्ट, तो ये खाना जो हम बोलते हैं नॉर्मल सबके लिए, जो खाना सबके लिए अच्छा है वही बोलते हैं, जो गंदा खाना है जो अच्छा नहीं है फास्ट फूड ये वो अच्छा नहीं, इसलिए वो बंद करना पड़ता है। सही बात है, क्योंकि लास्ट महीने में हमने एक रिकॉर्डिंग किया था, जो पेशेंट मेरी पेशेंट थी वो माइग्रेन की इतना सीवियर कि आपका उसके सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका इतना सीवियर था फिर भी आफ्टर ट्रीटमेंट वो बोलते अभी 2 साल के बाद मेरे को मिलने आई तो बोली हम नॉनवेज भी सब खाते हैं फिर भी डॉक्टर नॉर्मल है, मैंने बोला यू आर डूइंग टोटली रॉन्ग, लेकिन डॉक्टर आई एम टोटली फिट एंड फाइन। तो ऐसा भी होता है, होता नहीं ऐसा नहीं, लेकिन आप अगर केयर लेंगे तो लाइफ और बाकी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए हम बोलते हैं नहीं जो गलत तरीके, मेरा तो एक ही मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हम लोग अपना अपने मन के लिए अपने खुशी के लिए हम लोग गलत लोगों को अपना आइडियल बना लेते हैं, क्योंकि हमको ड्रिंक करना है या हमको नॉनवेज खाना है तो हम लोग ऐसे लोग का एग्जाम्पल देते हैं जो कि फिट है, लेकिन 10 लोग जो लोग उसके वजह से खराब है उसको हम नहीं देखते हैं, देखते कि उसके वजह से सोसाइटी में कितने, क्योंकि हेल्थ ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, कि हम अपने वीकनेस को छुपाते हैं पेट करते हैं और वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से निकलता है, तो बेटर होगा कि वो प्रिकॉशन लेना ही चाहिए। ओके, क्योंकि टोटली ये दो कॉइन के दो साइड है, दोनों साइड को हमें देखना है, सिर्फ डॉक्टर के ऊपर हम छोड़ेंगे या डॉक्टर नीरथ, क्योंकि हम हमारे हॉस्पिटल में आपको सब लेक्चर देते हैं उसके बारे में, क्या वो तो उसके वजह से मतलब बहुत ही हेल्पफुल होता है, लेकिन उसको निभाना चाहिए जो हम हेल्थ टॉक्स देते हैं इन बिटवीन, क्योंकि ये पेशेंट को पूरा पढ़ाने के लिए कि क्या हेल्थ किधर से खराब होता है, क्योंकि सिर्फ हमारा बीमारी ठीक करना हमारा एम नहीं, हमारे सेंटर का हमको पूरा ही ठीक रखना है आगे तक, ये हमारा ज्यादा एम रहता है, उसी के कारण हम पूरा बीच में लेक्चर हेल्थ टॉक्स सब देते हैं ताकि पेशेंट वापस बीमारी लेके मत आओ करके, पूरा हेल्दी रहने के लिए। और आज तक हमने देखा कि सब जो पेशेंट इधर से ठीक होके गए वो आज तक ठीक है, कुछ बीमारी का प्रॉब्लम, क्योंकि वो पूरा रिस्ट्रिक्शन हेल्थ का ख्याल रखते हैं। ओके, इवन आफ्टर ट्रीटमेंट भी उस चीज को हमें करना ही चाहिए, क्योंकि सबकी बॉडी की अपना एक तरीका होता है, उसमें जरूरी नहीं है कि किसी को ये नहीं इफेक्ट किया और तो हमको भी नहीं करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी को कोई चीज का इफेक्ट है, कोई किसी को किसी को एसी से एलर्जी है, किसी को धूप से एलर्जी है, तो हमें हमारी बॉडी की टेंडेंसी देख के हमें अपने ऊपर हमें समझना चाहिए कि हमको कैसे रहना है, और हम रहेंगे तो अपने लिए रहेंगे, डॉक्टर के लिए नहीं रहेंगे। ओके, हमारा ट्रीटमेंट हो गया, हम घर गए, अभी आगे हमारा है, हमें कैसे केयर लेना है। अब आप भूलेंगे तो नहीं हमको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी डॉक्टर। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू।